गाइस सो वेलकम बैक अगेन अ न्यू व्लॉग। हमारा जो बॉन फायर है वो मम्मी ने हटा दिया है और वाला बनवा दिया छोटा सा, तो अभी सफाई चल रही है इस एरिया की। होपफुली कि आपको पिछला ब्लॉग पसंद आया होगा, तिब्बती मार्केट और बरेली की बिरयानी, सकलैनी बिरयानी और क्या दिखाया था, कबाब भी दिखाए थे। कबाब तो दिखाई नहीं थे लोगों को यार, खाली खाए थे हम लोगों ने। तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। हो गई सब भाई, आप डर गई थी अंदर आते हैं। एक सेकंड के लिए चौकी नहीं, आप आधे सेकंड के लिए। हमारा बॉन फायर चला गया, इधर आ गया, छोटा हो गया बेचारा, छोटा हो गया। क्या चीज ना, तो उधर से रोता पाया हो। हो गई हो गई हो गई, रहने तो मत निकालो, वो निकला रहने दो, निकला रहने दो, निकला रहने दो, निकला रहने दो। तो हमारा बॉन फायर यहाँ से वहां चला गया, छोटा हो गया। कुर्सी ऐसे ऐसे में डालना पड़ेगी, सब्जी वाले भी आ गए। अरे मटर लेना, मटर मटर, मटर। हाँ हुई तो नहीं, पहली बार में भी नहीं हुई, दो बार में भी नहीं हुई। हो गई हो गई हो गई, मत जाओ एजेंसी, मत जाओ, हो गया काम, फिर बंद हो गई। ठंड की वजह से बंद पड़ रही होगी, अब करो, अब हो जाएगी, करो। उठ जा, हराम खोर, उठ जा। लेट से बता रहा है कि मेरा पेट बहुत डिस्टर्ब है, अभी मैं टैबलेट लेने जा रहा हूँ, पेची का करके पत्ता आता है, अगर पैकेट आता है तो वो लेने के लिए जा रहा हूँ, होपफुली मिल जाना चाहिए। बहुत दिक्कत है पेट में भाई, दिन में 10 बार जाना पड़ रहा है, सॉरी फॉर इन्फॉर्मिंग यू। चलो मेडिकल स्टोर क्या बोलते हैं, कितने रुपये बताई थी मटर, 20 रुपये टमाटर, 10 रुपये टमाटर दे दो और 1 किलो मटर दे दो, 30 रुपये की बताई थी ना। क्या खूबसूरत सब्जी है, बेचने वाला भी तो खूबसूरत है, हैं तो देखिए एक मिनट, हैं देखिए है, क्या बात। जो भी यहाँ पे सब्जी लेने आएगा उसको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा, ठीक है। बात बढ़िया निकाली, बढ़िया भरी मटर, खुश हैप्पी। डिस्काउंट कितना दिया ये बताओ, हैं दुकान तो है, 2% नहीं, दो कम से कम 5% डिस्काउंट होना चाहिए ना। हाँ तो 5% डिस्काउंट दो मुझे, 30 रुपए का 5% कितना हुआ, 3×15 रुपए का डिस्काउंट दो मुझे, यानी 5 रुपए की मटर हुई 1 किलो भाई, इतना तो बहुत सारी भले भी देवा डिस्काउंट। अरे तो 20 रुपए की मटर हुई ना, अगर 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 10% लगाया 5%। दानिश मैं गुलफाम रामपुर को भेज दूंगा, क्या बोल रहा है। निकाल दी, मटर हो गई, टमाटर हो गए, बस ये दोनों चीज चाहिए। ये आ गए हमारे टमाटर और मटर, कत्ल हो रहा हमारे बोनफायर का। कत्ल हो रहा, सफाई चल रही है। ये है हमारा घर, एक गेट ये है और एक गेट ये है। ये बांसुरी किसकी है भैया, ये है हमारा मेन गेट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लड्डू क्या कर रहा है, लड्डू कर क्या रहा है। क्या हो रही है, नहीं हो क्या रही है, खुद से नाश्ता बनाया जा रहा है, क्या बनाया है, लच्छा पराठा, ऐसा होता लच्छा पराठा, ये बेसन का लग रहा है। मम्मी ने बोन फायर हटा दिया यार, छोटा वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला बनवा दिया अभी, कोई नहीं। चाय नहीं पियोगे, चाय तो पिएगा नहीं शायद, यह नहीं पिएगा आसान, लड्डू पीना चाहिए वैसे, गलत बात है, हमें मिल जाए। यहाँ से निशाना आता है, यहाँ से इन्होंने ही फेंकी, यहाँ से देखो, यहाँ तक आया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखो ये देखो यहाँ तक आए ये,
और वहां तक पहुंचे। अरे ये हस्तान का काम है लड्डू का। हाँ, ये इधर से आया नाश्ता बना के सीधा अंदर गया होगा, इसको दूध की जरूरत पड़ी होगी, इसने दूध निकाला होगा, ये हुआ होगा। हाँ ये हुआ होगा। ये लड्डू को हो क्या गया, खुद से ब्रेकफास्ट क्यों बनाने लगा ये? हाँ काबल है। हाँ सही बात, हसन पीछे खड़ा, लड्डू जो है वो नाश्ता बना रहा है। ये क्या बोलती है? एक्चुअली सीन ये है कि मैं किस चीज़ की दवा लेने के लिए गया था, दवा तो मिल नहीं पाई है। असल में पेट थोड़ा गड़बड़ है यार, तो इसलिए दवा लेने के लिए मैं गया था बट मिल नहीं पाई है। तो घर के आसपास जो मेडिकल स्टोर्स हैं उसमें उन्होंने बोला है कि आपको मार्केट जाना पड़ेगा। तो अभी लट्टू कहीं गया हुआ है, लट्टू आएगा तो उसके साथ जाऊंगा या फिर उसको भेजूंगा दवाई लेने के लिए। बहुत गड़बड़ है। सो गाइस आज है 17 जनवरी और मैं किसी काम से निकला हुआ हूँ बाहर, तो अभी जा रहा हूँ उस काम को निपटाऊंगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो निपटाना है। ऑलराइट गाइस, सो जिस काम से हम लोग आए थे वो हमने कर लिया है, अब जा रहे हैं घर पे। अभी घर पे जाके देखते हैं लट्टू और मोली वगैरह सब क्या कर रहे हैं और खाना वाना बना है नहीं बना है, तो वो सब देखते हैं जाके। तो हमारे एक फ्रेंड आए हुए हैं उबैस जावेद, जो हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम, लेकिन वो ब्लॉग में अभी नहीं आएंगे, लेकिन बाद में आएंगे। थोड़े शर्मीले टाइप के हैं लेकिन बंदा बहुत बेहतरीन है, आएगा जरूर ब्लॉग में, अभी नहीं आएगा ठीक है ना। तो अभी अभी आया है फ्लाइट लेके, तो बरेली मतलब, तो बाद में मैं उसकी मुलाकात कराऊंगा आप लोगों से ठीक है। चलिए अभी खिला के आ रहे हैं। क्या पेट खराब है मेरा, पेट गड़बड़ है, पेट मतलब माल भी खाते रहे हैं, दूध माल भी खाते रहे हैं और सही तो हो गया मोशन, थोड़े से टाइट हो गए मोशन, लेकिन अभी थोड़े से लूज है। ये हमारा कीमा बन रहा है, कीमा कीमा कीमा। अच्छा पूरे हैं दोपहर में खा रहे हैं। अरे यार हमने कहा था आपसे खिचड़ी हमारी रख देना। अरे अभी तो ले गई, मुझे क्या पता मैंने क्या ले खाया था, इसलिए मैंने रात ही कह दिया था खिचड़ी भैया हमारी रख देना। चावल तो खाई रखते हैं लेकिन ज्यादा परहेज भी कभी कभी हो जाता है। लड्डू हमारे देख रहे हैं, कुरुलुस उस्मान, कुरुलुस उस्मान। कौन सा एपिसोड है, है? क्या बोला, बाद में सुनूंगा मैं क्या बोला वीडियो में, मैं समझ नहीं पाया। तो लफड़े धुल गए, कपड़े वपड़े, खाना बन रहा है और हम अभी चलते हैं जोर की नमाज के लिए। अच्छा चूल्हा जला दो, चूल्हा वैसे नाश्ता बनाते टाइम। अरे क्या क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, हमें भी दे दो, क्या बढ़ रहा है, चलो मैं भी जला देता हूँ। लोग चूल्हा तक नहीं जलाते हैं, बताओ बताओ, लोग चौक जाते हैं, बताओ यार। सेकंड टाइम, आई लव इट। वेलकम न्यू रोज, बड़ा प्यारा लग रहा है। डाल दिया होगा कूड़ा है इसने, कूड़ा डाल चुका है। अरे यार इन्हें बहुत कूड़ा पड़ा है अभी भी, ये देंगे भाई सब। लड्डू के फ्रेंड्स आए थे, सब कूड़ा अच्छे से फैला के गए हैं, अच्छे से, ज़्यादा नहीं है ठीक है, कूड़ा पड़ गया, इसको टिप्पे को भी अंदर रखना पड़ेगा। ओके तो हमने आज कुछ चेंजेस करे हैं अपने घर में, थोड़े बहुत जो चेंजेस होते हैं। इसका आखिरी वक्त चल रहा लग रहा है पेड़। तो हमने ये चेंजेस करे हैं आज यहाँ पर, साफ होना चाहिए। ये क्या डालनी, प्राइमर। सो गाइस मैंने एक न्यूज़ सुनी नेपाल से रिलेटेड, नेपाल प्लेन क्रैश जो हो गया था, बट वो मुझे उस न्यूज़ के बारे में नहीं पता था, सिर्फ बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे कल रात पता चला, यार मैं वीडियो देख के पूरा हिल गया यार, मैंने एक वीडियो भी डाली अपने इसी चैनल पर। बट यार सीरियसली यार किसी के साथ भी ऐसा ना हो यार, बहुत बुरा लगता है यार, अजीब लगता है। अच्छा चार बंदे हमारे यूपी के थे, इंडिया के चार लोग थे, उसमें से एक बंदे का नाम याद मुझे आ रहा है, सोनू अग्रवाल करके कुछ था, सोनू जायसवाल जो भी था, बट बुरा हुआ यार, अच्छा नहीं हुआ यार। खैर इसके ज़िम्मेदार कौन है। अच्छा एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपसे, मैंने कभी प्लेन में सफ़र नहीं करा है और ना ही मैंने कभी प्लेन में बैठा हूँ, बट मेरा एक सवाल है,
सभी से जवाब जरूर देना। जब हम प्लेन में बैठते हैं या प्लेन लैंड करने वाला होता है या लैंड या टेक ऑफ कर देगा कर चुका होता है तो हमसे कहा जाता है कि आप अपना फ़ोन यूज़ ना करें, इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क। तो बंदा फेसबुक पे लाइव कैसे था, फेसबुक पे लाइव क्यों था वो और क्या ज़रूरत थी उसको फेसबुक पे लाइव आने की, जबकि इंस्ट्रक्शंस होते हैं एयरलाइंस के कि मैंने जो सुन रखा भाई वही सुना, हर एंड्रॉयड और अपना आईफोन हो गया कोई भी फ़ोन हो गया उसमें जो एयरप्लेन मोड होता है, ठीक है, एयरप्लेन मोड जो होता है वो इसलिए होता है अगर आप प्लेन में हैं तो आप उसको लगाकर आपका नेटवर्क चला जाएगा, आप सारे नेटवर्क आपके कट जाएंगे हट जाएंगे और आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं एज ए वीडियो रिकॉर्डर, राइट। तो वो बंदा लाइव कैसे आ गया ये बात समझ में आ रही, हो सकता है ये भी रीज़न एक हो सकता है क्रैश का, बट मुझे नहीं पता, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट जो वो अच्छा नहीं हुआ। और सभी के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा, रेस्ट इन पीस, और मेरी संवेदनाएं और जो भी कह सकते हैं उसको उनके घर वालों के लिए है, और अल्लाह सब दे सबको। सो गाइस होपफुली कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग सो प्लीज़ लाइक द बटन, हिट द लाइक बटन, और आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, और यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालने वाला हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया, तो बने रहना हमारे चैनल पर और बहुत इंटरटेनमेंट होने वाला है अभी, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएंगे अभी। तो मेरी टी शर्ट कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो, मेरा परिधान कैसा लग रहा है, मेरा कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है आप कमेंट नहीं करते हो, तो इस पर ज़रूर कमेंट करा करो और लाइक कर देना, ठीक है ना, ठीक है, लव यू।